यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। When two surfaces are polished, है ना, ये चीज हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ना वैसे। When two surfaces are polished, the friction coefficient between them decreases, है ना। Smooth surfaces में friction कम होता है ना, सही बात है। But the friction coefficient increases immensely, चलो immensely उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया and becomes very large if the surfaces are made highly smooth explain, है ना। जैसे दो कांच के टुकड़े ले लो ना, दोनों बहुत ज्यादा स्मूथ कांच के टुकड़े लो, उनको एक दूसरे के ऊपर रब करोगे ना तो होंगे नहीं, मतलब फ्रिक्शन उल्टा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका रीजन पता ही है क्यों होता है ऐसा ना, अगर दोनों हद से ज्यादा स्मूथ होते तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती ना, बोन्स बन जाती है वहां पे, है ना, वहां पे वो दोनों मटेरियल एक तरह से एक हो गए, चिपक गए, तो वहां पे एक अलग ही रीजन हो जाता है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।